प्रिय मित्रों, आज की कहानी एक ऐसे माँ की ममता को दर्शाती है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आदर्शपुर नामक एक गांव था। उस गांव में राजू नामक 10 वर्ष का लड़का रहता था, लेकिन राजू के किस्मत में कुछ और ही था। राजू जब 9 वर्ष का था, तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चली जाती है। कुछ सालों के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसके पिता राजू से पूछते हैं कि बेटा, यह बताओ कि तुम्हारी नई माँ और पुरानी माँ में कुछ अंतर दिखता है। राजू बहुत धीमी स्वर में बोला, मेरी पुरानी माँ झूठ बोलती थी और नई माँ सच बोलती है। राजू की यह बात सुन उसके पिता हक्का बक्का से हो गए। तभी राजू के पिता ने राजू से कहा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे तू झूठी कहता है, और यह कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची लगती है। वह कैसे तभी राजू कहता है कि मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि तू खेलेगा, कूदेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी मैं खूब खेलता कूदता था, और उसके बावजूद मेरी माँ गांव से ढूंढ कर लाती थी और अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन मेरी नई माँ कहती है कि तू खेलेगा, कूदेगा और गांव घूमने जाएगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में 4 दिन से भूखा हूँ। राजू यह सब अपने पिता से कहकर रोने लगता है।